अंचलाधिकारी सुशील कुमार एवं थाना अध्यक्ष ने बांध का किया निरीक्षण। बताते चलें कि पूर्व में नेपाल द्वारा पानी छोड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की काफी वृद्धि हो गई थी, जो कि अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन वहीं आज फिर 3 लाख हेक्टेयर पानी छोड़ने की बात अमनौर अंचलाधिकारी ने कही। इसी को लेकर परशुरामपुर बांध होते हुए मकसूदपुर मधुबनी बांध का किया निरीक्षण। साथ ही बाढ़ से पीड़ित अगर कोई लोग हैं तो उनके लिए परशुरामपुर हाई स्कूल एवं कई स्थल बनाए गए हैं। वहीं सीओ ने लोगों से आग्रह किया, आज रात ध्यान देने की जरूरत है, स्थिति के अनुसार ऊंचे स्थान पर आने की बातें कही। उनके इस निरीक्षण में मनोहर थाना प्रभारी विश्व मोहन राम साथ ही थाने के कई पुलिस एवं अंचल कार्यक्रम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। नेशनल खबर 9 संवाददाता ने निरीक्षण को लेकर सवाल पूछने पर क्या कुछ कहे, देखिए एक रिपोर्ट। अंडा कौन चीज होता है, दारू नहीं बेच रहा है तो अंडा कहाँ से आपको बिक रहा है? किन बातों को लेकर सर आज आप बांध का निरीक्षण कर रहे हैं? आज SDO साहब मढ़ौड़ा, हम लोग दूरभाष पर सूचित किए कि आज गंडक से पानी 3.5 लाख क्यूसेक छोड़ा जाएगा, जिससे बांध को हो सकता है कि रात्रि में खतरा उत्पन्न हो जाए। इसी के तहत सतत हम लोग निगरानी अभी कर रहे हैं और यहाँ कोई अभी शरणार्थी अभी है नहीं जी। अगर होगा तो संबंधित पंचायत के मध्य विद्यालय स्कूल में उन लोग का शरणस्थल बनाया गया। ग्रामीणों को किस तरह का आप संकेत देंगे सर? अभी ग्रामीणों को तो ऐसे हम लोग बता रहे हैं कि जैसे ही आपका पानी यदि आपके घर तक पहुँचे और यदि आप जाना चाहें शरण स्थल पर तो आप जाइए, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था जो सरकार की तरफ से मुहैया है वो आपको दी। आपके साथ कौन कौन टीम आए हुए हैं सर? मेरे साथ है अभी हम हैं बड़ा बाबू हैं, राजस्व कर्मचारी हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अंचल अधिकारी सुशील कुमार। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।